पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा किसानों का आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार से भिड़ने को तैयार। प्रोटेस्ट करना किसानों का है मौलिक अधिकार। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब लड़ाई आर पार की स्थिति में पहुंच चुकी है। किसान आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं केंद्र सरकार बार बार बातचीत करने की बात ही करती नजर आ रही है, लेकिन चार दौर की वार्ता के बाद भी सरकार ने कोई हल नहीं निकाला है। आज किसानों ने एक बार फिर पुरजोर तरीके से धावा बोला है। हालांकि किसानों ने यह भी दावा किया है कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। इन्हीं सब के बीच किसान आंदोलन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। किसानों के हक को लेकर इसके लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रोटेस्ट करना किसानों का मौलिक अधिकार है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि यहाँ से बात नहीं बनी तो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ये जनहित याचिका हरियाणा सरकार के खिलाफ डाली गई है। सुनिए वकील उदय प्रताप सिंह को, जिन्होंने ये जनहित याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में डाली है। 29 मैंने एडवोकेट इन पर्सन किसानों के हक में डाली हुई है, जो कि स्टेट किसानों को अपना फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है जो वो एक्सरसाइज करने से रोक रहा है, उसके अगेंस्ट जो उन्होंने बैरियर लगा दिए हैं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया दे हैव राइट टू मूव एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जदों वो अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने बीच में बैरियर लगा दिए हैं और इंटरनेट सस्पेंड कर दिया, जो कि उनके मौलिक अधिकारों की वायलेशन है। तो उसी के फेवर में मैंने यहाँ PIL डाली हुई है कि स्टेट को डायरेक्ट करा जाए कि ये बैरियर साइड हटाए जाए और इंटरनेट जो सस्पेंड कर रखा है इन्होंने वो उसको रीइंस्टेट करा जाए, और जो किसानों को पुलिस थ्रेटन कर रही है गाँव में जाके, और उसको पुलिस को अगेंस्ट कंसर्न ऑफिशियल है जो एक्शन लिया जाए, और जिन किसानों को चोट लगी है उनको उनका बर्तम हो जाए। इस पूरे मामले पे हाईकोर्ट का क्या कहना है और दूसरे साइड दूसरा पक्ष जो AG हरियाणा है उनका क्या कहना है? आज इसमें तीन हियरिंग हो चुकी हैं, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल हुई है। इसमें चार पांच पार्टी हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, यूनियन, स्टेट ऑफ पंजाब का हमारे फेवर में है और हरियाणा यूनियन UT ये हमको अपोज कर रहे हैं। तो इसमें आज की हियरिंग में सुनने को मिला था कि भारी मशीनरी जो वो लेके जा रहे हैं वो भी एक कानून का उल्लंघन है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट कर रही मशीनें नहीं लेके जा सकते। वो ऑर्डर में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, वो जस्ट एक ओरल ऑब्जर्वेशन थी ट्रैक्टर से रिगार्डिंग की वो ट्रैक्टर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। जो ओरल ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको ओबिटर डिक्टम बोलते हैं, विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनी पार्टी इंटरेस्टेड, वेदर इट इज स्टेट और इट इज फार्मर्स। तो आज ही मेरे पास ऑर्डर भी है, इस ऑर्डर में बस रिप्लाई के रिगार्डिंग मैंशनड है और इसमें कुछ भी मैंशनड नहीं है। तो हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर से कोई फार्मर किसी ट्रैक्टर के यूज पे कोई भी प्रोटेस्ट ऐसे वर्जित नहीं। इस मामले में अब हाईकोर्ट का क्या रुख है, उन्होंने रिप्लाई फाइल करने के लिए क्या या कुछ डायरेक्शंस दिए हैं हरियाणा सरकार या और आज AG हरियाणा इटसेल्फ कोर्ट में अपीयर हुए थे और उन्होंने एक मेंशन ही की कि इस केस को आज ही सुना जाए और फार्मर्स को रोका जाए, जो कि आज जिनकी आज कॉल है कि ये दिल्ली ना जाएं। बट यहां कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दिया और इसको एक मेयर पॉलिटिक्स बोला है। तो इसके अब हमको ये आशंका है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको लेके जा सकते हैं। वो हमने किसानों का हक यहाँ पे भी हाई कोर्ट में भी पूरे डट के रखा है और हम अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ भी इसको पूरा अपोज करेंगे और किसानों को उनका फंडामेंटल राइट उनको लागू। बहरहाल किसानों की ये लड़ाई जमीन से लेकर कोर्ट तक जा पहुँची है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा फिलहाल पता नहीं। केंद्र सरकार किसानों के हक में कुछ फैसला लेती है या फिर हरियाणा सरकार के खिलाफ पड़ी इस जनहित याचिका पर किसानों के हक में सार्थक फैसला आता है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।